नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट है, दो स्विच हैं और एक बल्ब होल्डर है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन हुआ है वो नॉर्मल कनेक्शन है। तो आज हम कनेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं कि इस बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में, मान लीजिए आपको कोई बोर्ड है और उसमें आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये कनेक्शन हम बोर्ड में बना सकते हैं जिसमें लाइट आती है, यानी कि जो हमारे दीवार में लगा होता है वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कई वायर्स होते हैं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम आपको सिंगल बोर्ड ला कर दिखा रहे हैं। ये हमारी वायर्स है, ठीक है, सप्लाई के लिए, और इसी में हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे कनेक्शन होता है। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं कनेक्शन इन्वर्टर का, ठीक है। तो इसमें जो स्क्रू लगे थे उसको पहले हमने खोल रखा है, ठीक है, और जिससे आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आपको हम बता दे रहे हैं जिससे आप समझ में आ जाएंगे। ये हमारी येलो वाली वायर है, ये फेज वायर है, ठीक है, और फेज वायर को हमेशा स्विच में देते हैं। तो दो स्विच है, दोनों में दे दिया गया जो कि फेज है, और ग्रीन वाली वायर हमारी न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर आया, एक बल्ब होल्डर में न्यूट्रल और सॉकेट में न्यूट्रल मिल गया, और जो फेज वायर है यहाँ से स्विच से यहाँ पर मिल गया और इस स्विच से यहाँ पर मिल गया, जो कि नॉर्मल कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब हमको इन्वर्टर कनेक्शन इसमें करना है, ठीक है। तो इन्वर्टर कनेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों ये हमारी वायर है जो कि हमारे इन्वर्टर की वायर है, ठीक है, और हमेशा इन्वर्टर में सिंगल वायर ही होती है, ठीक है। तो सिंगल वायर जो होती है यही फेस का काम करती है, और इसको न्यूट्रल, यानी कि इन्वर्टर को न्यूट्रल, जो हमारी न्यूट्रल होती है सप्लाई वाली, इसी से मिल जाती है, ये फेस का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी फेज वायर है येल्लो वाली, और ये हमारी ग्रीन न्यूट्रल, ठीक है। तो वायर मैच कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन है, अब हमको इन्वर्टर कनेक्शन, तो ये हमारी वायर है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए आपको केवल बल्ब में चाहिए इन्वर्टर कनेक्शन, सॉकेट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बल्ब में चाहिए यानी कि बल्ब होल्डर में इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, तो इसकी जो फेज वायर है बल्ब की, यानी कि यहाँ पर बल्ब आया है, यानी कि यहाँ पर फेज आया है बल्ब के लिए, यहीं से सॉकेट के लिए भी है। तो अगर आपको दोनों में चाहिए तो आप यहीं पर लगा दीजिए और इसको हटा दीजिए, और अगर आपको केवल बल्ब में देना है तो यहाँ पर जो फेज वाली वायर है इसको यहाँ से निकाल करके ये इन्वर्टर वाली वायर यहाँ पर लगा देंगे, तो ये फेज का काम करेगा, ठीक है, ये वायर फेज का काम करेगा जिससे हमारा बल्ब इन्वर्टर से हो जाएगा, और ये जो वायर आई है इस वायर को यहाँ पर लगा देंगे, यानी बीच से कट करके यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका कनेक्शन अलग हो जाएगा, इसका कनेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है ये लाइट से रहेगी और हमारा जो बल्ब है ये इन्वर्टर से रहेगा, ठीक है। अगर हमको दोनों को इन्वर्टर से देना है तो इस फेज वाली वायर को हम हटा देंगे और फेज और इसके जगह पर हम इसको लगा देंगे, दोनों हमारे जो सॉकेट और बल्ब हैं दोनों इन्वर्टर से हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केवल बल्ब में करते हैं क्योंकि हम केवल बल्ब में इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, सॉकेट में नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने फेज वाली वायर हटा दी है, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टर वाली वायर है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो दोस्तों ये इन्वर्टर वाली जो वायर है ये हमारे बल्ब होल्डर में लग चुकी है, जो कि अब हमारा जो बल्ब होल्डर है ये बल्ब होल्डर ये इन्वर्टर से हो गया है, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और जो हमने फेज वाली वायर निकाली थी इसको हम कट करके छोटा सा यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा लाइट से रहेगा और ये हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कट करके लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो सॉकेट है ये अभी भी लाइट से है, ठीक है। ये हमारी लाइट वाली फेज वायर है और जो हमारा बल्ब होल्डर है ये इन्वर्टर से हो गया, ये कि इन्वर्टर की फेज वायर है, ठीक है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, आपको केवल बल्ब होल्डर में इन्वर्टर कनेक्शन करना था, आपने कर दिया। अगर आपको दोनों में चाहिए, सॉकेट में भी और बल्ब होल्डर में भी दोनों में इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, तो फेज को पूरी तरह से हटा दीजिए, यहाँ फेज का कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि जो लाइट वाली फेज वायर है उसको पूरी तरह हटा दीजिए और इन्वर्टर का कनेक्शन दोनों सॉकेट में कर दीजिए, दोनों पॉइंट में कर दीजिए, जिससे आपका दोनों पॉइंट इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कट करके फिर लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है, ठीक है, ये हमारी वायर्स कट चुकी हैं। अब हम इस दोनों पॉइंट में यहाँ पर अब हमने इन्वर्टर का कनेक्शन दोनों में कर दिया है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से इन्वर्टर से हो चुका है, जब भी आप इसको इन्वर्टर से लगाएंगे तो आपका टोटल इन्वर्टर से हो जाएगा, लाइट से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये कनेक्शन अब इन्वर्टर से हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको केवल बल्ब में करना है तो यहाँ पर जो इसके फेज पॉइंट था यहाँ पर लगा दिए, और अगर आपको केवल सॉकेट में करना है तो केवल यहाँ पर लगा दीजिए, अगर आपको दोनों में करना है तो आप दोनों में लगा दीजिए, ये आपका फेज पॉइंट हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर में कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और कई बार ये होता है कि इसमें न्यूट्रल जो मिलता है ये कैसे मिलता है, तो जब भी आप इन्वर्टर में कनेक्शन करते हैं तो इन्वर्टर में जो प्लग इन होता है, यानी कि इन्वर्टर जहाँ से चार्ज होता है, जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं कि हमारा चार्जिंग पॉइंट ये है इन्वर्टर का, तो उस चार्जिंग पॉइंट से न्यूट्रल और फेज वहाँ से आ जाती है आपके इन्वर्टर में, और वहाँ पर जो इन्वर्टर का न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट आपके इस यानी कि जो बाहर की न्यूट्रल है इसमें कनेक्ट होता है, उसके जो दो वायर जो आउटपुट होती हैं उसमें दो वायर्स निकली हुई होती हैं, लेकिन केवल हमको वायर एक ही लगानी होती है जो कि फेज की लगानी होती है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है जो हमारी सॉकेट होती है उसी से वो उसको मिल जाता है इन्वर्टर को न्यूट्रल, ठीक है, वहीं से वो कनेक्ट हो जाता है न्यूट्रल से। इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि आप जब भी इन्वर्टर कनेक्शन करें बोर्ड में या फिर चार्जिंग के लिए तो आप उसको न्यूट्रल और फेज चेक कर लें टेस्टर से, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रल उसको वहाँ से मिल चुका है और केवल हम फेज निकालते हैं आउटपुट से एक वायर, तो वहाँ भी आप चेक कर लीजिए कि कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल, और अपना सॉकेट लगा दीजिए इन्वर्टर के पीछे, ठीक है, वहाँ सिंगल वायर जो होगी ये सिंगल वायर होगी, ठीक है, और यही आपके बोर्ड में आएगी और फेज का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा फेज का काम हो जाएगा और यही है सिंपल सा कनेक्शन इन्वर्टर का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो और बनाएं और आपको और अच्छे से समझाएं कि हमारे पास अगर इंडिकेटिंग बल्ब हो, फैन हो और 2 पिन सॉकेट हो और 5 पिन सॉकेट हो और अलग से जो भी पॉइंट्स हो उसमें उसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसका भी वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमारा कनेक्शन कैसे होगा। तो अगले वीडियो हम आपको पूरा कनेक्शन दिखाएंगे जिसमें इंडिकेटिंग लैंप, फैन रेगुलेटर, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट के साथ साथ जो बल्ब होल्डर होंगे उस सभी में कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन, एक पूरे बोर्ड का कनेक्शन वहाँ पर
होगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। आपको जिस पॉइंट पे देना है, जो फेस वाली वायर है उसको हटाकर वहां पर लगा दीजिए, आपका इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।